हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बहुत सारा इंतज़ार करने के बाद नेटवर्क इश्यूज थे आज, है ना। सो वी आर कंटिन्यूइंग विद डायलेक्ट्रिक्स। आज अभी हम लोग एक्सक्लूसिवली जो पूरी क्लास रहेगी वो डायलेक्ट्रिक्स पर बेस्ड रहेगी। डायलेक्ट्रिक्स क्या है? दीज आर द इंसुलेटिंग मीडियम विच आर प्लेस्ड बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब दोनों प्लेट्स के बीच में एक इंसुलेटिंग मीडियम अभी हम लोग रखते हैं, इंसुलेटिंग मीडियम। अब इंसुलेटिंग मीडियम की जरूरत क्या है बेटा? भाई अभी हम लोग सारी चीजें चार्जेस की बात कर रहे हैं, कंडक्टर्स की बात कर रहे हैं, यहां इंसुलेटर कैसे आ गया? तो भाई अभी हमने बोला कैपेसिटर प्लेट्स में आपको एक प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिया, एक पर नेगेटिव चार्ज दिया। अगर बीच में मीडियम कंडक्टिंग होगा, इमेजिन करके देखो, अगर कंडक्टिंग मीडियम होगा तो क्या होगा? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज मतलब एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव चार्ज यानी डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अगर ये मीडियम बीच का कंडक्टिंग कर दिया तो क्या होगा? यहां पर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स है, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। रास्ता आपने दे दिया। कैसे रास्ता दे दिया? कंडक्टिंग मीडियम डाल दिया तो चार्जेस खत्म हो जाएंगे। चार्जेस खत्म हो जाएंगे मतलब ये चैप्टर पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। चैप्टर अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? कैपेसिटर्स। कैपेसिटर ऐसा डिवाइस जिसमें चार्जेस अभी लोग स्टोर कर रहे हैं, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये समझ लो कि इसकी जरूरत क्या है, किसकी? इंसुलेटिंग मीडियम की। तो ये इंसुलेटिंग मीडियम को अभी हम लोग कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखते हैं, सो दैट दी पॉजिटिव चार्जेस एंड नेगेटिव चार्जेस व्हिच आर गिवन टू दी प्लेट्स रिमेन ऑन दी प्लेट्स। दीज आर नॉट ट्रांसफर्ड और रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग देमसेल्व्स। अगर आपने कंडक्टिंग मीडियम ले दिया तो इन्हीं के बीच का जो चार्ज है वो आपस में रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, है। अब इसमें इंसुलेटिंग मीडियम को अभी हम लोग डायलेक्ट्रिक भी बोलते हैं। और इंसुलेटर के बारे में अभी हम लोगों ने बोला, एक ऐसा मटेरियल है विच इज हैविंग प्रैक्टिकली नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसमें कोई भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। अब इसके बाद डायलेक्ट्रिक्स का टाइप अभी हम लोग देखें। डायलेक्ट्रिक्स में अभी हम लोग जो टाइप लेंगे, मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक दो टाइप ले लेंगे। हम लोगों को पहले से अब ये मालूम हो गया कि भाई इंसुलेटिंग मीडियम है, इंसुलेटिंग मीडियम में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है मतलब अब हम लोग इनका बिहेवियर पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है। अब हम लोगों को ये पता चल गया कि डायलेक्ट्रिक्स अभी हम लोग क्यों पढ़ने वाले हैं। डायलेक्ट्रिक्स इसलिए पढ़ने वाले हैं क्योंकि ये इंसुलेटिंग मीडियम को अभी हम कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में रखेंगे। तो कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, कैपेसिटर प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई और यहां पर अगर इंसुलेटिंग मीडियम रखेंगे तो उसका क्या इफेक्ट आएगा, ये अब हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। हम लोगों को वैसे तो मालूम है, मैथमेटिकली मालूम है भाई कि सी की वैल्यू एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी होता है। जब आप कोई इंसुलेटिंग मीडियम रखोगे तो के एप्सिलॉन जीरो ए बाई डी मतलब कैपेसिटेंस इंक्रीजेस टू के टाइम्स। अगर आप कोई इंसुलेटिंग मीडियम डालेंगे इन दोनों के बीच में तो कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाता, द कैपेसिटी टू होल्ड चार्जेस इंक्रीज हो जाती है, ये अभी हमें पता चल गया। कंडक्टर अगर डालते हैं तो क्या होता है, अभी हमें मालूम है, वो चार्ज होल्ड कर ही नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि अभी हम लोग बोले कंडक्टिंग मीडियम के कारण चार्जेस का ट्रांसफर शुरू हो जाएगा, है ना। तो अब हम लोग इसमें डिटेल में ये पढ़ने वाले हैं कि डायलेक्ट्रिक्स का टाइप क्या होता है। डायलेक्ट्रिक्स का टाइप, डिफरेंट टाइप्स पढ़ने के बाद उनको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो वो टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायलेक्ट्रिक्स कैसा बिहेव करते हैं और डायलेक्ट्रिक्स रखने की वजह से कैपेसिटेंस क्यों इंक्रीज हो रहा है, ये भी पढ़ेंगे। और फिर इससे रिलेटेड एक प्रॉपर्टी अभी हम लोग पहले भी कर चुके हैं, आज भी पढ़ेंगे, क्या? डायलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। तो आज की क्लास के एंड तक अभी आपको बहुत सारी चीजों के आंसर्स मिल जाएंगे। अब तो अब इसमें देखो, डायलेक्ट्रिक्स जो हैं दो टाइप के हैं, हम लोगों ने बोला मोनो एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। मतलब ये जो मोनो एटॉमिक डायलेक्ट्रिक्स हैं, दीज आर मेड अप ऑफ ओनली एटम्स, एटम से मिलकर बने। मतलब हर मटेरियल को अगर आप देखो तो हर मटेरियल का जो
बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है वो एटम। तो अभी हम लोगों ने बोला सच टाइप ऑफ डायलेक्ट्रिक्स आर मेड अप ऑफ एटम्स, और एटम्स जो हैं इनकी खासियत ये होती है कि ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं। ठीक, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये होगा। और ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं ये सेंटर पर लाई करते हैं एक स्पेस जिसको अभी हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं कहां पर लाई करते हैं, सारे पॉजिटिव चार्जेस जो हैं दीज आर लाइंग इन द न्यूक्लियस। अब इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स अगर इसके चारों तरफ मूव कर रहे हैं मतलब इलेक्ट्रॉन्स की कोई फिक्स पोजीशन नहीं है। लेकिन अगर आपको कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर चल रहा है उसकी इफेक्टिव पोजीशन अगर कंसीडर करनी है तो इफेक्टिव पोजीशन कैन बी कंसीडर्ड टू बी एट द सेंटर। इफेक्टिव पोजीशन आप कहां पर मान सकते हैं, सेंटर पर मान सकते हैं। तो अभी हम लोग बोलेंगे पॉजिटिव चार्जेस का जो सेंटर है, पॉजिटिव चार्जेस का सेंटर जो है सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस है, और नेगेटिव चार्जेस की फिक्स पोजीशन नहीं है लेकिन चूंकि ये सर्कुलर पाथ पर चल रहा है तो इनकी इफेक्टिव पोजीशन भी सेंटर पर मान सकते हैं। एटम्स बनाने को बहुत बड़े बनाते हैं बट दीज आर माइक्रोस्कोपिक, बहुत ज्यादा छोटे हैं, है ना। तो अभी हम लोग कहते हैं कि मेन जो कंक्लूजन निकला इस डिस्कशन से कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करते हैं एटम्स में, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करते हैं मतलब एक ही जगह पर हैं, ऐसा मान सकते हैं। अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर अगर कोइंसाइड कर रहा है तो हर एक एटम के पास डाइपोल मूवमेंट नहीं होगा। डाइपोल मूवमेंट क्या होता है बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर सेपरेटेड हैं, मान लीजिए दो चार्जेस हैं एक पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों अगर अलग अलग रखे हुए हैं मतलब ये डाइपोल है। और इससे रिलेटेड डाइपोल मोमेंट बता सकते हैं, कैसे बताते हैं, क्यू इंटू व्हाट द सेपरेशन, चार्ज इंटू व्हाट द सेपरेशन। अब सोचकर देखो मोनोएटॉमिक के बारे में क्या क्या बता दिया, मोनोएटॉमिक में बता दिया भैया ये डायलेक्ट्रिक्स कैसे हैं, एटम से मिलकर बने हैं, ठीक है, एटम्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होते हैं मतलब जितने पॉजिटिव चार्ज हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज हैं, और इफेक्टिवली इनकी पोजीशन कहां पर मान सकते हैं, एट द सेम पॉइंट। पॉजिटिव चार्जेस न्यूक्लियस में लाई कर रहे हैं वो सेंटर पर मान सकते हैं, इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पर चल रहे हैं उनकी भी इफेक्टिव पोजीशन अगर कोई बतानी तो सेंटर पर रहेगी। अब भाई सेंटर पर कम नहीं रहेगी तो ये अभी हम बता दें, सोच कर देखो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ऐसा चल रहा है तो अभी हम लोग बोलेंगे लगभग पूरा समय ये न्यूक्लियस के चारों तरफ चल रहा है, लगभग सारा समय इसके न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमने में जा रहा है, इसलिए पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर को इंसाइड कर रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा न्यूक्लियस बना पाए और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स बना पाए जो अपना ज्यादा समय न्यूक्लियस से दूर गुजार रहे हैं, मान लीजिए सर्कुलर पाथ पर नहीं चलकर ऐसा कुछ चल रहा है, तो इनकी इफेक्टिव पोजीशन अभी हम यहां पर नहीं मान सकते। क्यों, क्योंकि भैया ये ज्यादा समय जो है इससे तो दूर गुजार रहे हैं तो इनका इनकी जो इफेक्टिव पोजीशन है, अगर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रोटेट कर रहे होते, इलेक्ट्रॉन्स अगर सर्कुलर पाथ पर नहीं है ऐसे कुछ होते तो क्या होता है, ये अपना ज्यादा समय न्यूक्लियस से दूर गुजार रहे हैं और न्यूक्लियस से दूर गुजार रहे हैं मतलब नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है यहां पर लाई नहीं कर रहा। तो अभी हमने इस बात का मतलब भी बता दिया कि ये मोनोएटॉमिक डायलेक्ट्रिक्स जो है एटम से मिलकर बने हैं और एटम्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर को इंसाइड कर रहा है क्योंकि ये एटम से बने हैं।
एटम्स में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स है और इलेक्ट्रॉन्स सर्कुलर पाथ पर हैं और पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर चूंकि कोइंसाइड कर रहा है इसलिए ये डाइपोल जैसा नहीं मान सकते। डाइपोल तब मानते जब ये दोनों सेपरेट हो जाते, मतलब हर एक एटम का खुद का डाइपोल मोमेंट, खुद का डाइपोल मोमेंट हर एक एटम का डाइपोल मोमेंट जीरो होगा। ठीक, ये पहला टाइप अभी हम लोगों ने पढ़ा। ठीक, अब इसमें दूसरा टाइप अभी हम लोग पढ़ रहे हैं पॉली एटॉमिक। नाम से क्लियर होगा पॉली एटॉमिक, ये वो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने। दीज आर मेडअप ऑफ टू और मोर एटम्स। अब ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, अभी हम लोग इसमें केमिस्ट्री में नहीं जाएंगे भैया कैसी बॉन्डिंग है, कैसी ओरिएंटेड है, एंगल्स कितने हैं, इसमें नहीं जाएंगे, वी विल नॉट गो इनटू द डिटेल्स, लेकिन हमें जो काम का है फिजिक्स के हिसाब से वो बताते चले। अब टू और मोर एटम्स हैं तो अब इसमें भाई ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर है, ये दूसरा एक और पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए तीन एटम से मिलकर बना, तो इनके पॉजिटिव चार्ज सेंटर हो सकता है कोइंसाइड करें, हो सकता नहीं कोइंसाइड करें विद द नेगेटिव चार्ज सेंटर। अब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज सेंटर हो सकता है कोइंसाइड करें, हो सकता नहीं करें, मतलब इसमें दो पॉसिबिलिटीज हैं पॉली एटॉमिक में। दो पॉसिबिलिटीज क्या हैं, द पॉजिटिव चार्ज सेंटर मे कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज सेंटर और देयर मे बी अ सेपरेशन बिटवीन पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज सेंटर। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज सेंटर के बीच में कोई सेपरेशन हो सकता है। तो पॉलीएटॉमिक में क्या पढ़ लिया अपन ने, पॉलीएटॉमिक में पढ़ लिया कि ये वो डाइलेक्ट्रिक्स हैं जो दो या दो से ज्यादा एटम से मिलकर बने हैं और दो या दो से ज्यादा एटम्स में इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज एंड इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज मे और मे नॉट कोइंसाइड। अगर ये कोइंसाइड कर रही है तो ये केस सिमिलर टू मोनोएटॉमिक हो गया, क्योंकि मोनोएटॉमिक में भी तो यही होता था कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करता था। अब दूसरी पॉसिबिलिटी पॉलीएटॉमिक में क्या है कि नेगेटिव चार्ज सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द पॉजिटिव चार्ज सेंटर, नेगेटिव और पॉजिटिव कोइंसाइड नहीं कर रहे, मतलब हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट है और ये डाइपोल मोमेंट जीरो नहीं है, हर एक मॉलिक्यूल के पास खुद का डाइपोल मोमेंट है। इधर पर डाइपोल मोमेंट जीरो है, बिल्कुल वैसे ही जैसा अभी हमने एटम्स में पढ़ा था। ठीक, अब देखो अब आगे चलते हैं। अब इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पर हम लोग एक ऐसा क्लासिफिकेशन निकाल ले रहे हैं जो अब आपको ज्यादा काम आएगा। पोलर डायलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स, ये भी अब नाम से क्लियर होगा बेटा तुम लोगों को क्या हो गया। ये पोलर डायलेक्ट्रिक्स नाम से कैसा क्लियर होगा कि इसमें पोल्स हैं भाई, नॉन पोलर मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड्स विद नेगेटिव चार्ज सेंटर। हम आपको बहुत सिंपल तरीके से लिखते जा रहे हैं, जब भी आप इस चीज ये वीडियो दोबारा देखें तो नोट्स बनाते चलना, क्योंकि बहुत सारी काम की चीजें अभी हमने इसमें बताई हैं। तो अब इसमें देखो हम लोगों ने ये कह दिया कि अब ये नया क्लासिफिकेशन जो है ये ज्यादा काम का है, इसमें अब हम लोग क्या बोलते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स में या नॉन पोलर, पहले बता दे रहे हैं नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक्स में द पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड्स विद नेगेटिव चार्ज सेंटर, पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड्स विद नेगेटिव चार्ज सेंटर। नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड्स विद नेगेटिव चार्ज सेंटर, देयरफॉर
ईच एटम और मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट. नॉन पोलर की खासियत पता चल गई. मेन काम की चीज अभी हमने आपको इसमें लिख कर दे दी. क्या कि नॉन पोलर में पॉजिटिव चार्ज सेंटर इज कोइंसाइडिंग विद नेगेटिव चार्ज सेंटर. देयरफॉर ईच एटम और मॉलिक्यूल हैज अ जीरो डाइपोल मोमेंट. अगर हर एक एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है तो पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा फॉर द होल मटेरियल. अब देखो ये क्लियरली लिख दिया फॉर द होल मटेरियल द नेट डाइपोल मोमेंट विल बी इक्वल टू जीरो. अब अच्छे से समझना बेटा इसको. हम लोगों ने इसमें नॉन पोलर में ये बोल दिया कि पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड्स विद नेगेटिव चार्ज सेंटर. ये कहां पर होता है? अपन पिछले क्लासिफिकेशन को याद करो. आखिरी बार इसको याद करा रहे हैं, इसके बाद अभी हम लोग यही यूज करेंगे. पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड विद नेगेटिव चार्ज सेंटर कहां पर आता था बेटा? एक तो मोनोएटॉमिक में आता था. एटम्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड करते थे. और पॉलीएटॉमिक का पहला टाइप, पॉलीएटॉमिक में भी दो टाइप किए थे कि पॉलीएटॉमिक इज मेड अप ऑफ एटम्स और एंड सॉरी पॉलीएटॉमिक इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स. मॉलिक्यूल्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर हो सकता कोइंसाइड कर जाए नेगेटिव चार्ज सेंटर के साथ या फिर हो सकता नहीं करे. तो अभी हम लोगों ने इसलिए ये बोला है, किसी के मन में ये आ जाए कि पोल्स नहीं है तो पोल्स नहीं है कहने के सिर्फ एटम्स में ऐसा होता नहीं. कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स भी होते हैं जिसमें इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज की पोजीशन और इफेक्टिव नेगेटिव चार्ज की पोजीशन कोइंसाइड करती है. तो एटम्स में तो होता ही है, कुछ मॉलिक्यूल्स में भी होता है. ठीक. तो ये क्या होगा बेटा? ये नॉन पोलर हो गया. और नॉन पोलर में हर एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, मतलब पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है. अब आ जाओ अगला पोलर. पोलर डायलेक्ट्रिक्स में क्या बोलते हैं? पोलर डायलेक्ट्रिक्स में द पॉजिटिव चार्ज सेंटर डज नॉट कोइंसाइड विद द नेगेटिव चार्ज सेंटर. पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड नहीं कर रहे. मतलब न्यूक्लियस, सो न्यूक्लियस तो नहीं बोल रहे क्योंकि अभी दो तीन एटम्स भी हो सकते हैं, दो एटम्स तीन एटम्स. सो वी से दैट द इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द पॉजिटिव चार्ज डज नॉट कोइंसाइड विद द इफेक्टिव पोजीशन ऑफ द नेगेटिव चार्ज. देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट. अब देखो अंतर क्या आ गया पिछले वाले केस से. पिछले वाले केस में क्या बोला था? ईच एटम और मॉलिक्यूल हैज जीरो डाइपोल मोमेंट. लेकिन यहां पर क्या लिखा? ईच मॉलिक्यूल, एटम नहीं लिखा. एटम तो इसमें आ जाएगा नॉन पोलर में. पोलर में सिर्फ कौन से मॉलिक्यूल्स आएंगे जिनमें पॉजिटिव चार्ज सेंटर इज नॉट कोइंसाइडिंग विद नेगेटिव चार्ज सेंटर. देयरफॉर ईच मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट. अब इसमें देखो ध्यान से, ये डाइलेक्ट्रिक बना लिया, इसमें दिस इज मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं. अगर आप बहुत थोड़ा सा भी अमाउंट अगर ले लेंगे तो उसमें लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे. बट वी हैव टू ड्रॉ द डायग्राम. तो वो लैक्स ऑफ मॉलिक्यूल्स तो नहीं ड्रॉ करेंगे, अभी हम कुछ ड्रॉ कर दे रहे हैं. इसमें दीज इंडिविजुअल डाइपोल्स या ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं. हम लोगों ने बोला हर एक एटम, हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट तो होगा, लेकिन ये सारे के सारे डाइपोल्स जो हैं रैंडमली ओरिएंटेड हैं. अब अगर ये रैंडमली ओरिएंटेड हैं, मतलब हर एक
मॉलिक्यूल का जो डाइपोल मोमेंट है, अगर हम इनको एरो से मार्क कर दें, डायरेक्शन इसका कैसा होता है, फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होता है। तो ये सारे के सारे जो हैं, ये सारे वेक्टर्स डाइपोल मोमेंट वेक्टर्स हैं, माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होता है, ये रैंडम ओरिएंटेशन है, इसलिए नेट डाइपोल मोमेंट पूरे मटेरियल का जीरो आएगा। ईच मॉलिक्यूल हैज अ डाइपोल मोमेंट बट ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। तो अब देखो फाइनली इसको सम अप करें, क्या कैसा, नॉन पोलर एंड पोलर कैसे होते हैं मटेरियल, ये बना दिया। हर एक एटम या मॉलिक्यूल का पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर को इंसाइड कर रहा, पोलर में नहीं कर रहा। देखो अभी हमने सिंपल शब्दों में, बिल्कुल सिंपल डायग्राम के टर्म्स में आपको बता दिया दोनों टाइप। और अगर आपने इनको बनाना है डायलेक्ट्रिक्स को, तो ये प्लस माइनस, हर एक एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। हर एक एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो है, इसलिए पूरे मटेरियल का नेट, अगर लिख रहा है मतलब पूरे मटेरियल का, हमने जितना डिस्कशन किया वो इस डायग्राम में बता दिया। पोलर में क्या है, डाइपोल मोमेंट यहां पर जीरो था, डाइपोल मोमेंट ईच मॉलिक्यूल नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन ये बना हुआ है, अब हम दोबारा नहीं बना, ड्यू टू रैंडम ओरिएंटेशन की वजह से नेट डाइपोल मोमेंट इसका जीरो आ गया। अब कंक्लूडिंग पॉइंट क्या है कि भाई किसी भी टाइप का डायलेक्ट्रिक हो, पोलर डायलेक्ट्रिक या नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक, पूरे मटेरियल का नेट डाइपोल मोमेंट जो है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। टाइप दोनों अलग अलग हैं, पोलर अलग है नॉन पोलर अलग है, लेकिन कॉमन चीज क्या है कि दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है। अब भाई दोनों का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आता है, तो अब क्या है, अब हम लोग इसको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज द बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स when placed in an electric field, uniform और लगा लो, नहीं तो फिर अभी non uniform एक अलग matter हो जाता है। अब इसमें देखो, ये एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसको ई जीरो से मार्क कर रहे हैं, ई जीरो इज द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इन विच द डाइलेक्ट्रिक इज प्लेस्ड। इसका सोर्स क्या है इस इलेक्ट्रिक फील्ड का, इस इलेक्ट्रिक फील्ड का सोर्स इस चैप्टर में कैपेसिटर प्लेट्स भी हो सकती हैं,
मतलब अगर आप कैपेसिटर प्लेट्स बनाएंगे, इसके बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो भी इजी हो सकती है, लेकिन कोई और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो सकती है। बट सिंस वी आर स्टडिंग अबाउट व्हाट कैपेसिटर्स, देयरफॉर वी विल बी टॉकिंग अबाउट द फील्ड व्हिच इज जनरेट, द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड व्हिच इज जनरेटेड बिटवीन द टू प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब इसमें अगर आप किसी डायलेक्ट्रिक को रखें, तो सबसे पहले तो अभी हम लोग नॉन पोलर को रख रहे हैं, नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक। प्लेस इन द फील्ड, किसी नॉन पोलर डायलेक्ट्रिक को अगर आप किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, नॉन पोलर का डायग्राम कैसा था बेटा, ये ऐसा प्लस माइनस ऐसा कुछ था, दी पॉजिटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड्स विद नेगेटिव चार्ज सेंटर, ऐसे कुछ थे डायग्राम्स। अब क्या होगा अगर पॉजिटिव चार्जेस को और नेगेटिव चार्जेस को किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, तो क्या होता है उसके ऊपर एक फोर्स लगता है, और फोर्स की वैल्यू क्या आ जाती है, क्यू इंटू ई। फोर्स एक्टिंग ऑन पॉजिटिव चार्ज विल बी इक्वल टू क्यू इंटू ई, और अगर ये माइनस चार्ज अगर है तो इसकी वैल्यू माइनस क्यू इंटू ई आ जाता है। इससे क्या पता चलता है अभी हम लोगों को, इससे ये पता चलता है कि फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है पॉजिटिव चार्ज के लिए, और फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऑपोजिट होता है नेगेटिव चार्ज के लिए। मतलब क्या होगा, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर आप रखोगे तो क्या होगा, कुछ इस टाइप का डायग्राम आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर के ऊपर ऐसा फोर्स लग रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और नेगेटिव चार्ज के ऊपर ऑपोजिट टू द फील्ड। पॉजिटिव चार्ज सेंटर मतलब क्या, एटम्स में पॉजिटिव चार्ज सेंटर हम लोग बोल सकते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस राइट की तरफ खिसके का, इलेक्ट्रॉन्स जो रोटेट कर रहे हैं वो लेफ्ट की तरफ खिसकेंगे। तो मतलब क्या होगा, इफेक्टिवली इनका मतलब ऐसा कुछ हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के चारों तरफ अभी ऐसे चक्कर लगा रहे थे सर्कुलर पाथ पे, अब क्या होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर ये न्यूक्लियस इधर की तरफ जाने की कोशिश करेगा, राइट की तरफ रहने की कोशिश करेगा, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में रहने की कोशिश करेंगे। मतलब ये अपना ज्यादा समय जो है न्यूक्लियस से दूर गुजारेंगे, ऐसा कुछ रोटेट करेंगे। सो मोस्ट ऑफ द टाइम द इलेक्ट्रॉन्स विल बी स्पेंडिंग देयर टाइम अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो नेगेटिव चार्ज सेंटर जो है वो शिफ्ट होकर कहां, लेफ्ट की तरफ आ गया। ठीक, मतलब अब क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज सेंटर और नेगेटिव चार्ज सेंटर जो कोइंसाइड कर रहे थे इस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इनमें एक सेपरेशन आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज सेंटर इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड चल देगा और नेगेटिव चार्ज सेंटर ऑपोजिट द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। और ये मालूम है, आप कोई भी अच्छी चीज अगर आप चलाने की कोशिश कर रहे हो, लगाने की कोशिश कर रहे हो, तो जो भी लोग पॉजिटिव होंगे वो उसी दिशा में चलेंगे, है ना। आपको अभी हम पढ़ाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो जो पॉजिटिव अप्रोच वाले हैं वो उसी फील्ड की ही डायरेक्शन में चलेंगे, लेकिन जो नेगेटिव सोच वाले हैं वो कहां जाएंगे, भाई यहां पर अगर पढ़ाई हो रही है तो कहां जाएंगे, नेगेटिव जो है ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएंगे। ये याद रखना हमेशा, आप अपने आप से रिलेट करना तो हमेशा याद रहेगा। ये बड़ा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, पॉजिटिव चार्ज के ऊपर फोर्स कैसा लगेगा, तो हम लोग पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव चार्जेस के ऊपर फोर्स जो रहेगा इट विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो अब इसमें ये पॉजिटिव चार्ज सेंटर इधर की तरफ, नेगेटिव चार्ज सेंटर इधर की तरफ, अब क्या होगा, ऐसा सभी के साथ होगा,
मतलब क्या है, अभी हर एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था पिछले डायग्राम में, हर एटम या मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था, इसलिए पूरे का नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ रहा था। लेकिन अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब हर एटम या मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया खुद का, मतलब नाउ ईच एटम और मॉलिक्यूल पोजेसेस अ डाइपोल मोमेंट, पोजेसेस व्हाट, अ डाइपोल मोमेंट। अगर हर एक एटम या मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट आ गया, मतलब क्या बोलेंगे, पूरे डाइलेक्ट्रिक के पास, पूरे डाइलेक्ट्रिक के पास एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, एंड दिस नेट डाइपोल मोमेंट विल नॉट बी इक्वल टू जीरो। ठीक, अब पता चल गया कि पोलर डाइलेक्ट्रिक को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, उसके अंदर एक डाइपोल मोमेंट आ जाएगा, मतलब इसमें कुछ पोल्स डेवलप हो जाएंगे। ठीक, अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स को देखो, सेकंड केस, प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब पोलर डाइलेक्ट्रिक्स इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड वर हैविंग दिस सॉर्ट ऑफ डायग्राम। अच्छा, ऐसा नहीं बनाते, तुम लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाएगा। ये इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड, ये डायग्राम किस में था, इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाने पर क्या होगा, फिर से वही चीज होती है, पॉजिटिव जो चीजें हैं वो इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड जाने की कोशिश करेंगी, और नेगेटिव ऑपोजिट टू द फील्ड। तो इसको अभी हम लोग ऐसा कहते थे कि एक टॉर्क एक्ट करेगा जो इनको घुमाने की कोशिश करेगा। जैसे मान लीजिए अगर कोई डाइपोल मोमेंट ऐसा है और हमने ऐसी फील्ड लगाई, तो अब इमेजिन करो भैया पॉजिटिव इसी लाइन में जाने की कोशिश करेगा, नेगेटिव ऑपोजिट जाने की कोशिश करेगा। अब कैसा डायग्राम, इसकी टेंडेंसी क्या रहेगी, ये पॉजिटिव अगर इस डायरेक्शन में जा रहा है, नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इसकी कोशिश रहेगी कि ऐसा हो जाए। तो पॉजिटिवली जो पॉजिटिव चार्ज है वो परफेक्टली इन लाइन विद द फील्ड आ जाएगा, और नेगेटिव विल ट्राई टू मूव ऑपोजिट, मतलब हो वही रहा है लेकिन अब टॉर्क लगेगा। अब हम लोग क्या बोलेंगे, जब भी किसी पोलर डायलेक्ट्रिक को देखें तो पोलर डायलेक्ट्रिक की खासियत क्या है, हर एक मॉलिक्यूल के पास एक डाइपोल मोमेंट है, लेकिन नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होता है। क्यों होता है, क्योंकि ये इतने सारे वेक्टर्स हैं लेकिन ये रैंडमली ओरिएंटेड है, इसलिए पूरे मटेरियल का डाइपोल मोमेंट जीरो है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएंगे तो क्या होगा बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर लगाएंगे थोड़ा थोड़ा इन्होंने अपने आप को ओरिएंटेशन करना शुरू कर दिया। अगर आपको दिख रहा हो ओरिएंटेशन, और जैसे जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे इनका ओरिएंटेशन बढ़ता जाएगा। So the degree of alignment of these dipoles in the direction of field, the degree of alignment or the extent of alignment of these dipoles in the direction of field will depend on the amount of electric field which we are applying. भैया हम जितना ज्यादा जोर लगा देंगे तुम लोगों के साथ, उतना ज्यादा पॉजिटिव जो है और पॉजिटिव डायरेक्शन में चलते जाओगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन। तो अभी हम लोग यही बोल रहे हैं,
कि आप जितना ज्यादा फील्ड लगाओगे उतना ज्यादा इनमें रोटेशन आएगा, उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा। टॉर्क क्या करता है ये अभी हम लोग ने पिछले टॉपिक्स में पढ़ा है कि किसी डाइपोल को किसी फील्ड में रखेंगे तो उसके ऊपर टॉर्क लगता है और वो टॉर्क डाइपोल मोमेंट को इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन में लाने की कोशिश करता है। और जैसे जैसे आप इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाएंगे द एक्सटेंट ऑफ अलाइनमेंट विल गो ऑन इंक्रीजिंग। और अगर आपने ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी तो ये ऐसा कुछ आ जाएगा। थोड़ा बड़ा सा डायग्राम ले लेना बेटा, हमारा थोड़ा ज्यादा छोटा हो गया, एक्सटेंट ऑफ अलाइनमेंट और बढ़ जाएगा। तो इसमें भी क्या आ जाएगा, अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखने पर इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जो कि जीरो नहीं होगा। तो दोनों का कंक्लूजन क्या है कि पोलर डाइलेक्ट्रिक हो चाहे नॉन पोलर हो, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगा था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं था तो नेट डाइपोल मोमेंट जीरो था। नेट डाइपोल मोमेंट जीरो का कारण दोनों बने हुए हैं। इधर तो हर एटम या मॉलिक्यूल के पास डाइपोल नहीं था, मतलब पॉजिटिव चार्ज सेंटर नेगेटिव चार्ज सेंटर कोइंसाइड कर रहे थे, यहां पर था तो लेकिन रैंडमली ओरिएंटेड था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई तो इसमें एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया, इसमें भी एक नेट डाइपोल मोमेंट आ गया। सो कंक्लूजन इज व्हाट, व्हेनेवर यू कंसिडर डाइलेक्ट्रिक्स एनी टाइप ऑफ डाइलेक्ट्रिक पोलर और नॉन पोलर विल बी हैविंग जीरो डाइपोल मोमेंट इन द एब्सेंस ऑफ फील्ड। फील्ड अगर नहीं लगाया तो डाइपोल मोमेंट नहीं होगा, और अगर आपने फील्ड लगा दिया तो क्या होगा, इनके अंदर एक नेट डाइपोल मोमेंट आ जाएगा जो कि जीरो नहीं रहेगा। ठीक, तो वी विल कंटिन्यू विद डाइलेक्ट्रिक्स ऑन द नेक्स्ट टर्म। दैट्स ऑल फॉर टुडे, बाय बाय।